जो आप सबको चाहिए होती है कि कितने पाउच होंगे, तो इस तरीके से आपके अनलिमिटेड पाउच बनते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारी ऐसी मशीन है जिसे FFS मशीन बोलेंगे। अगर आपको छोटी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए, तो आप ये हमारी न्यूमेटिक मशीन लगाते हैं। और आपको हाफ फुल न्यूमेटिक चाहिए, तो हमारी ये अंडर कंस्ट्रक्शन मशीन है, आप इस तरीके की मशीन बनवा सकते हैं। ये हमारी हाफ फुल न्यूमेटिक मशीन है। वेरी नाइस, मतलब किसी भी प्रकार की मशीन आपके यहाँ बनाई जा सकती है। बिल्कुल सर, हम हर तरीके की मशीनें बनाते हैं। अच्छा, जिसकी जो चीज रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरीके से उसकी मशीनों को तैयार करेंगे। अच्छा जी, दिखाने वाली हूँ। अदरवाइज ये सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारा रेडी टू मूव काम चल रहा है, जहाँ हमारी मशीनें प्री ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं। इसके अलावा ये सारा हमारा बनाने का एरिया है, यहाँ पे आप हर तरीके की मशीनें बनवा सकते हैं। पार्ट्स वगैरह जो इसमें लगते हैं, उस चीज़ के लिए भी हमारे पास सारी सुविधा है। आपको अलग से कहीं से कोई भी चीज़ें खराब हो जाती है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ आपको मेरे ही वेयर हाउस में इजीली। बिजनेस ऐसा जो कमा के दे पैसा, आज आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही यूनिक है, और जहाँ रहते हैं वहीं ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे खास बात है, आज हम जानेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे साथियों, कि अपने घर से आप महीने का 40,000 से 50,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं एक ये छोटी सी मशीन लगा के 10x10 के रूम से। तो आइए जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम मेरे साथी को छोटे से परिचय दीजिए, फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है, मैं प्रिया आपके लिए फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग से सीधे हूँ। हमारे यहाँ मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ आपको हर तरीके की मशीनें मिल जाएंगी। पर आज जो हम मशीनों के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक ऐसी मशीन है जिसे आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। अच्छा जी, ये जो मशीन है सर हमारी है पैकिंग से रिलेटेड मशीन है। हम कोई भी खाना खाना पसंद करते हैं, कोई भी मार्केट में चीज़ लेना पसंद करते हैं, चाहे वो 5 रुपए की चीज़ हो, चाहे वो 50 रुपए की चीज़ हो, हर आइटम को हम पैकेट में ज़्यादा समझते हैं कि वो फ्रेश होगा, अच्छा होगा और बढ़िया निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इससे क्या क्या पैक किया जा सकता है इसमें? इससे हम काफ़ी चीज़ें पैक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में सारी चीज़ें आ गई हैं कि जो सब कुछ पैकिंग में मिलती है, जैसे खाने पीने का आइटम हो गया या कोई लिक्विड आइटम हो गया, जैसे जूस भी होते हैं, चिप्स भी होता है, सूजी भी होती है, आटा भी होता है, आपका सुपारी भी होती है, बहुत से लोग जो गुटखा गुटखा खाते हैं वो भी होता है, जीरा भी होता है, चाय पत्ती भी होती है, तो आपका सारा ही लगभग इसमें आइटम आता है। अच्छा हाँ जी, तो इससे दोनों आइटम लिक्विड और फूड दोनों उससे पैक हो सर है। हम हर तरीके की मशीनें बनाते हैं। अच्छा, जिसकी जो चीज रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरीके से उसकी मशीनों को तैयार करेंगे। अच्छा जी जी, तो आज जो मेरे साथियों को मशीन दिखाने वाली वो कौन सी मशीन है? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरा, कि जहाँ हम लोग मशीनें कैसे बनाते हैं। तो पहले आप मेरा वेयर हाउस पूरा देख लीजिए कि कहाँ मशीनें बनाई जाती हैं, किस तरीके की हैं। अच्छा, उसके बाद किस मशीन के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, वो दोनों ही चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। बिल्कुल, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, दिखाने वाली हूँ। अदरवाइज ये सारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारा रेडी टू मूव काम चल रहा है, जहाँ हमारी मशीनें प्री ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं। इसके अलावा ये सारा हमारा बनाने का एरिया है, यहाँ पे आप हर तरीके की मशीनें बनवा सकते हैं। पार्ट्स वगैरह जो इसमें लगते हैं, उस चीज़ के लिए भी हमारे पास सारी सुविधा है। आपको अलग से कहीं से कोई भी चीज़ें खराब हो जाती है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ आपको मेरे ही वेयर हाउस में इजीली मिल जाएगा। लगभग हमारे यहाँ ऑर्डर पर ही तैयार होती हैं, तो अपने भी कुछ लोगों के अपने माइंड में होता है कि हमें इस तरीके की चाहिए, तो हम लोग कस्टमाइज भी कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मैम अब मुझे जरा कुछ ऐसी मशीनें दिखाइए जो लोग बहुत ही आसानी से और एक मशीन अनेक काम कर पाए। जी, अगर कोई चाहता है छोटे से बिजनेस का, जो मार्केट में 2-4 रुपए की चीजें बिकती हैं और वो सबसे ज्यादा लोग पैक करके ही बेचते हैं, इसके अलावा वो बेच ही नहीं जा सकती। जैसे कि बहुत से लोग माउथ फ्रेशनर में खाते हैं, आपका क्या कहते हैं सौंफ हो गया, आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा मीठे के लिए आप लोग बहुत से लोग गुटखा यूज करते हैं, इसके अलावा बहुत से लोग सुपारी खाते हैं, स्वीटी खाते हैं, काफी सारी चीजें मिलती है खाने की। तो उस मशीन में अगर आपको पैक करनी है 1-1 रुपए का आइटम, तो मेरे पास आपकी FFS में मशीन है। ये देखने में आपकी जो मशीन है छोटी सी है, लेकिन ये आपकी बड़े आसानी से पैकिंग कर देती है। पैकिंग कैसे करेगी अभी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगी। इसमें क्या होता है, सारा आपका सिर्फ मटेरियल डालने के लिए आपको इस होपर का यूज करना पड़ेगा। ये होपर होता है हमारा, जिसमें आप 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक कुछ भी पैक कर सकते हो, या 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक, जैसे हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उस तरीके का हम माल इसमें डालेंगे। इसमें आपको सिर्फ सूत चेंज करना पड़ता है, इसके अलावा मशीन को आपको हीट पर डालनी पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने 10 मिनट मशीन को हीट पर डाला था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हीट हो रहा है, बस 2-4 मिनट में रह गया है।
इसके अलावा ऑन ऑफ का बटन होता है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ऊपर से इसमें आप रोल डाल सकते हो, जितने इंच का आपका पैकेट तैयार हो रहा है उसी हिसाब से आप इसमें रोल डालोगे उतने का। अच्छा। इसके अलावा ये आपकी मशीन में इस तरीके से सेटअप करने के बाद ही हम इसको हीट पे छोड़ेंगे। हीट आपकी टू साइडेड होती है, ऊपर से और साइड में। अच्छा जी। तो इस चीज को करते हुए सारी मशीन आपकी ही हिसाब से रेडी होती है। मशीन के पार्ट्स की बात करूं तो मशीन हमारी SS और MS दोनों में बनी होती है। अब SS और MS क्या है तो मैं बता देती हूं। जो लोहे का हिस्सा होता है सारा का सारा, वो लोअर पार्ट होता है जिसमें मशीन हमारी मजबूती से खड़ी हुई रहती है। इसके अलावा आपका जो भी फूड आइटम डालने का पार्ट होगा, आप कोई भी सुपाई डाल रहे हो, सौंफ डाल रहे हो या कोई भी खाने का आइटम डाल रहे हो, वो सारा कुछ आपका SS में जाएगा। जो भी टचिंग पार्ट होगा इसका बॉडी का, वो सारा का सारा आपका SS में होगा। तो हमारी जो मोल्डिंग होती है मशीन पूरी की पूरी, वो इन दोनों मशीनरी पार्ट्स में होती है, SS और MS। इसके अलावा मशीन की बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो मशीन हमारी सिंगल फेज की होती है। एरिया आपका छोटा सा लेगा, 10x10 का कमरा हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन उतने एरिया में भी ये बहुत ज्यादा सफिशियंट हो जाता है। अच्छा। यानी कि छोटे से हिस्से में इसको लगा सकते हैं। बात करूं अगर मैं इसकी प्रोडक्शन की, सबसे ज्यादा जरूरी होती है कस्टमर के लिए, तो आप इसमें जो प्रोडक्शन है पर मिनट में 20-25 पैकेट को कर सकते हो। अच्छा जी। जी, यानी कि अगर आप कोई छोटा आइटम बड़ा आइटम कुछ भी पैक करोगे, आपकी कैपेसिटी सेम ही होने वाली, चाहे वो मेरे लिए बड़ी मशीन की हो चाहे मेरी छोटी मशीन की हो। ऑपरेट की बात करूं, दोनों ही मशीनें हम लोग एक जैसे ही ऑपरेट करते हैं, बस कुछ चीजें सिमिलर नहीं होती हैं, वो डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ टाइम में। तो ये थी हमारी FFS की। इसमें आपको अगर आपको मसाला पैक करना है, जीरा पैक करना है, उस आइटम के अलावा जो मैंने छोटे मोटे बताए 1 रुपए के 2 रुपए के, इसके अलावा भी, तो आप इसमें 100 ग्राम तक चीजों को पैक कर सकते हो। अच्छा जी। ठीक है। अगर आपको करना है नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, सूजी या चाय पत्ती, जो भी आपको बड़े पैकेट में, यानी कि 250 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम में पैक करना है, या आपको पफ पैक करने, कुरकुरे पैक करने, नमकीन पैक करनी है, ऐसा कोई भी आइटम पैक करना है, तो आप सिर्फ उसको बड़ी मशीन में पैक करोगे। बड़ी मशीन में इसलिए पैक करोगे क्योंकि इन चीजों में क्या होता है, हमें चाहिए होती है खाने में गैस की जरूरत, नाइट्रोजन गैस, जो किससे फिलिंग होती है, वो हमारी नाइट्रोजन गैस से फिलिंग होती है, जो कि हमारी इस तरीके की मिलती है। अच्छा जी। इसको लगा के ही इसका कनेक्शन सीधे हम लोग मशीन में करते हैं, इससे इसमें गैस, इसमें इससे नाइट्रोजन फिलिंग होती है। नाइट्रोजन फिलिंग से क्या होता है, हमारे खाने का आइटम हम 3 महीने तक, हमारा हमेशा प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि हम खाने के आइटम को पैकेट वाले को 3 महीने यूज कर सकते हैं। इसीलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि जो गैस होती है इसको ताजा रखने का काम करती है, जिसको आप 3 महीने तक अपनी शॉप में रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मशीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो भी थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वो हमारी छोटी है और ये हमारी बड़ी मशीन है। बिजली की बात करूं तो बिजली हमारी दोनों की सेम ही रहने वाली है। मोटर की बात करूं तो हम आपको 1 HP की मोटर देंगे इसमें, जो कि आपका कभी भी पूरी वारंटी के साथ मिलेगी। कभी भी कोई फॉल्ट आता है, खराबी आती है, आप हमसे कोऑर्डिनेट करके उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि चेंज करके हमसे नई मोटर ले सकते हैं। इसके अलावा मशीन में आपको छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना होता है पैक करने के लिए, वो सारा कुछ ट्रेनिंग सेशन होता है, कैसे मशीन चलाएंगे, कैसे मशीन में पैकेजिंग होगी, कैसे कैसे मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, और क्या वो छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं जिन्हें हमें अपने आप सीखना पड़ता है। बहुत से ग्राहक होते हैं वो गांव देहात के होते हैं, बहुत से शहर के होते हैं, लेकिन चीजें दोनों को ही बराबर समझनी होती है। तो इसीलिए हमारी तरफ से आपको ट्रेनिंग देने के पर्पज से एक लड़का जाता है, जो आपके पास 1 से 2 दिन रुकेगा और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आएगा कि कैसे मशीन चलाई जाएगी, कैसे मशीन को आप अपने हिसाब से भी चला के ठीक कर सकते हो। छोटे मोटे फॉल्ट जो होते हैं मशीन के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो। वो कब कैसे चेंज करेंगे, सूत कैसे चेंज करेंगे, कैसे मशीन को मॉनिटर करेंगे, ये सारा कुछ हम ही लोग आपको बताने वाले हैं। अच्छा जी। मैम ये तो बात होगी मशीन के फंक्शन की, मशीन का क्या क्या कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, तो ये मशीन की क्या वारंटी गारंटी देती है? मशीन की वारंटी जो होने वाली है सर, आपकी 1 साल की वारंटी है, सर्विसेज की भी एंड मशीन की भी। अच्छा जी। अब एक बात और मुझे बताइए मैम, कि इस मशीन से कितना प्रोडक्शन होगा, 1 घंटे का 1 दिन का, कुछ इसके बारे में सर? मैंने मिनट का आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हो 1500 से 1600 पैकेट आपके 1 घंटे में हो जाते हैं। 1 मिनट का ही इसका प्रोडक्शन है, 20 से 25 पैकेट। अच्छा जी। जी, बहुत अच्छी। इसमें आपकी एक चीज अच्छी है कि इसमें आप सिंगल सिंगल लड़ी भी निकाल सकते हो, और आप एक बार में 12 पीसेस के भी लड़ी निकाल सकते हो, जिसमें कि इसमें आपका रोटेशनल निकलेगा, इसमें सिंगल पीस नहीं निकलेगा। अच्छा जी।
तो मैम क्या इन दोनों मशीन में से कोई मशीन ऐसा है जो चला के दिखा सकती है आप मुझे? मैं आपको दोनों ही मशीनें ऑन करके दिखाने वाली हूँ। अच्छा, दोनों दिखा देंगे? आपको दोनों का आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे पैक करेंगे। और सबसे अच्छी चीज, अगर आप अपनी ब्रांडिंग भी करना चाहते हो, जी जी, आपको अगर पैकेट को अच्छा दिखाना है, क्या पैक कर रहे हो, अपने नाम से करना है, ब्रांडिंग करना है, वो सारी चीजें भी उपलब्ध है। मोर इन्फॉर्मेशन आपको जब भी मिलेगी जब मेरे पास आप ऑफिस विजिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आइए देखते हैं कि मशीन कैसे चलती है और कैसे वर्क करती है। ओके सर, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ, तो जैसे कि हमने मशीन हीट कर ली है और जैसे कि हम थोड़ा बहुत सैंपल भी निकाले थे, तो अब मैं आपके साथ लाइव भी निकाल देती हूँ। हमें यहाँ से मशीन हमने ऑन कर दी है, हीट कर दी है, अब हम मशीन चालू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आप सिंगल करो, लड़ी में करो, पाउच में करो, हर तरीके की मशीन में आपकी सुविधा है। आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से मशीन हो जाएगी। ये है हमारी न्यूमैटिक मशीन। अच्छा जी, पाउच पैकिंग न्यूमैटिक मशीन। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और जानना चाहूंगा, इसमें कितने केजी के, कितने केजी तक पैक हो सकता है? सर इसके अंदर आप 250 ग्राम तक पैक कर सकते हो। 250 ग्राम? हाँ जी। अच्छा। साथ ही साथ अब मैं दिखाती हूँ आपको कि आप जो छोटे मोटे पैकेट होते हैं 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, जी जी, वो करनी है तो आपको FFS में करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं FFS मशीन। अच्छा जी, इसके अंदर आप इस तरीके से पैकिंग कर सकते हो। ये देखिए, बहुत अच्छा, जो भी पैक करना हो। देखिए स्पीड देख रहे हैं आप, स्पीड कहते हैं इसे। अच्छा, जो आप सबको चाहिए होती है कि कितने पाउच होंगे, तो इस तरीके से आपके अनलिमिटेड पाउच ही बनते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारी ऐसी मशीन है जिसे FFS मशीन बोलेंगे। अगर आपको छोटी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए, तो आप ये हमारी न्यूमैटिक मशीन लगाते हैं। और आपको हाफ फुल न्यूमैटिक चाहिए, तो हमारी ये अंडर कंस्ट्रक्शन मशीन है, आप इस तरीके की मशीन बनवा सकते हैं। ये हमारी हाफ फुल न्यूमैटिक मशीन है। वेरी नाइस, मतलब किसी भी प्रकार की मशीन आपके यहाँ बनाई जा सकती है? बिल्कुल, जैसा चाहे वैसा ऑर्डर देके भी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पूरा आइटम पैक करती है। बिल्कुल, बहुत